सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वेलकम टू माई चैनल। अज की रेसिपी विच मैं बनावांगी कस्टर्ड केक, जो बहुत ईजीली बन के तैयार हो जाता। केक बनाने लिए आपां पहला केक टिन ग्रीस करके रख लैने। ऑयल नाल मैं ग्रीस कर रही हूँ। ऑयल अच्छी तरह ग्रीस करके फिर ये आप मैदे नाल डस्टिंग करांगे ताकि केक नीचे ना लगे। अच्छी तरह मैदा सारे साइड से घुमा देंगे। एक केक टिन हो गया अपना तैयार। हूँ मैं कढ़ाही तैयार कर रही हूँ। मैं गैस से बनावांगी कढ़ाही केक। इसमें पा रही नमक, इन्हें कर देंगे स्प्रैड। तो मैं नीचे इस तरह की प्लेट रख रही हूँ। तो इन्हों आप कर देने कवर, इन गर्म होने दें। आप केक का बैटर रेडी कर दें। ये मैं ले रहा एक कप मैदा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, तीन चम्मच वैनिला कस्टर्ड पाउडर। बहुत अच्छा फ्लेवर आता कस्टर्ड पाउडर ना केक का, कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। इन्हों आप छान लेने। मैदा छानना बहुत जरूरी होंगे केक विच, इन्हें केक बहुत अच्छा बनता। ये सारा समान आप कर लें अच्छी तरह मिक्स। हम सैपरेट बाउल विच मैं पा रही हूँ हाफ कप पाउडर शुगर, वन थर्ड कप दही, हाफ कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ मैं। ये एगलेस केक है तो यहाँ पे दही ऐड कर रहे हैं। जो दही तुसी नहीं पाउनी, एग पाउने तो दो एग्स पा लो। तो मैं हुण थोड़ा मिल्क ऐड करांगी। इस मिल्क रूम टैंपरेचर का होना चाहिए, ठंडा या ज़्यादा गर्म मिल्क केक विच कदे भी यूज़ नहीं करीदा। हुण जिहड़े आप ड्राई इंग्रीडियंट्स तैयार करे ने, इहदे विच आप हुण हौली हौली पाई जावांगे तो मिक्स करी चलांगे। थोड़ा थोड़ा करके पाउना, सारा एकदम इकट्ठा नहीं पाउना, नहीं फिर गुठलियाँ बन जांदियां ने। थोड़ा थोड़ा करके पाई जाना, मिक्स करी जाना। अगर दुध की ज़्यादा जरूरत लगी होर तो दुध भी आप ऐड करांगे। थोड़ा मैं करड़ा लगे बैटर, दुध होर पा लिया मैं। इस तरह का होना चाहिए। ये तो ये हम पाऊँगी टूटी फ्रूटी। ये थोड़ा जहा मैदा पावगी मैं। जो आप मैदे में इस तरह मिक्स करके पाइए तो फिर वो नीचे जाके नहीं सारियाँ बहन है, ईजीली केक में इक्वली स्प्रैड हो जाए ने। मैदे च आप नहीं इन्हों डस्ट करांगे तो फिर ये नीचे जाके सारिया बह जाए ने। हम बैटर आप पा लें अपने केक टिन च। उपर भी थोड़ी टूटी फ्रूटी लगा देने। तो इन आप रखा हूँ कढ़ाही च। कढ़ाही हो चुकी गर्म। इन आप करता कवर। जो आप एक बार केक बनना रख दिए तो उन्होंने बारी बारी खोल के नहीं आप देखना होंगे। 30-35 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं खोलना होंगे, नहीं तो स्टीम बाहर निकल जाते, फिर केक नहीं अच्छा बनता। 40 मिनट में मेरा केक बन के तैयार हो गया था। 5 मिनट पहला भी मैं देखा से नहीं बनया सी, फिर 5 मिनट होर मैं एक्सट्रा लगाते 40 मिनट्स में बन गया। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा, एक जगह टूथपिक मैं होर इंसर्ट करांगी। टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। तो आप केक हूँ कढ़ लैने बाहर। बहुत ही अच्छा केक बने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैनीला सेंसी विच कोई जरूरत नहीं पैंदी क्योंकि जो आप कस्टर्ड पाउडर लिया वह वैनीला फ्लेवर का ही लिया। तो बहुत ही सॉफ्ट केक बनया। इनू आप ठंडा होने दें, ठंडा हो गया फिर आप टिन चो बाहर कढ़ांगे। केक हो चुका ठंडा तो हम नाइफ नाल इहदी साइड छुड़ा लें तो ईजीली बहर आ जाए। बहुत ही आसान केक है बनाना, ये कोई ज़्यादा समान भी नहीं चाहिए। तो आप टिन कर देना उल्टा, इस कर देना आप टैप, तो केक अपना आराम ना आ गया बाहर। बहुत ही सोहना कलर आया केक तो, बहुत ही अच्छी तरह बेक होया। ये आप ये कर दें कटिंग। बहुत सॉफ्ट केक बनया, कटिंग करन च ही पता लग रहा है केक कितना सॉफ्ट है। तुसी भी जरूर ट्राई करो एंड अपनी फैमिली ना इंजॉय करो।
तुहानू मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल सबसक्राइब करना।